प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा गरल सुधारी पुकारी हिमिताई गोप सिंधु सिंधु अनल शीतलाई गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करी चितवा जाही अति लघु रूप धरे हनुमाना पैठा नगर सुमीरी भगवाना। कोई भी काम करने से पहले श्री राम प्रभु को अपना हृदय में डाल रख करके करिएगा तो काम सक्सेस होगा। ये दोहा है चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी का रामायण में और बिल्कुल क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में 2533 बार श्री राम प्रभु का नाम दर्ज है और उसमें वाणी है कि कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवे गोसैया कोई अलाए, ये गुरबाणी है। और श्री कृष्ण भगवान का भी गुरबाणी है, श्री कृष्ण भगवान का भी जिक्र है कि वृंदावन मन हर न मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे जाका ठाकुर तू ही सारंग धर मोह कबीरा नाऊ रे। गौ माता का भी नाम है, श्री कृष्ण भगवान का भी नाम है वृंदावन श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। देखिए सनातन धर्म क्या है पहले वो चीज़ को जानिए। सनातन धर्म एक पेड़ का जो तना होता है ना वो सनातन धर्म है। इसमें से चार तो शाखाएं निकली है जो कि हिंदू धर्म है और एक है आपको जैन, एक बौद्धिस्ट और एक जो है आपको सिख। ये जो है ना तना से ये शाखाएं निकली है चारों। ये हम जो है ना आपस में सब भाई भाई हैं, हमको तोड़ने का कोशिश किया गया। ये क्या बात करेंगे इन, ये तो अखिलेश यादव जी का इशारा पर ऐसे बोल रहे हैं। ये सारा नेताओं का ठगबंधनों का एक जूट समूह इकट्ठा हो गया है और ये ठगबंधन जो गठबंधन का जो टीम बनी है ये सारा टारगेट कर रहे हैं सनातन धर्म को कि कैसे सनातन धर्म को नष्ट किया जाए। अघोषित आपातकाल चल रहा है अभी वर्तमान, ठीक है ना। ये मोदी की सरकार है बोल करके हम लोग बचे हुए हैं, हमारा जान माल का सुरक्षा है। तो हम कहेंगे आने वाले चुनाव में इनको जो है ना उचित जवाब दीजिए, 2024 के चुनाव में इनको उचित जवाब दीजिए और इनका कान पकड़ के बाहर का रास्ता दिखाइए इनको। और ये जो है ना जो सनातन विरोधी हैं, सनातन है हिंदुओं का मुंह पर थूक करके ये चाहते हैं कि हमें कुर्सी चाहिए, उनको कोई कीमत पर कुर्सी नहीं मिलेगा, ये सनातन धर्म का घोर विरोधी है। सरदार जी है क्या कहेंगे, हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा, कहा जा रहा हिंदू धर्म तो है ही नहीं। देखिए ये जो इस प्रकार से बोल रहे हैं ये राक्षस हैं, कलयुग के राक्षस हैं और ये कुछ दिन के मेहमान हैं भगवान का जो है ना, जो भी देवाधिदेव महादेव का इन पर जो है ना श्राप लगेगा तो इनको ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे। देखिए रामायण के ऊपर में जो उंगली उठा रहे हैं, श्री राम प्रभु के ऊपर में जो उंगली उठा रहे हैं, ये सत्य सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। रामायण कोई मामूली ग्रंथ नहीं है, इस पर जो है ना शंकर भगवान अपना सिग्नेचर मारे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम का सिग्नेचर मार करके और इसको मार्केट में लाए हैं तब जाके पढ़ने लायक हुआ है। ये रामायण जो है ना गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बहुत परिश्रम से स्वयं शंकर भगवान की प्रेरणा से लिखा है, ठीक है। अब इस पर जो कटाक्ष कर रहे हैं, इस पर जो उंगली उठा रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, ये समाज में रहेंगे नहीं। ये जो दिवाली के समय में कैसे कीड़ा मकोड़ा जो बॉल के आगे पीछे ऐसे जो होते रहता है उस प्रकार से जी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हाँ बिल्कुल इनका गिरफ्तारी होना चाहिए। देखिए श्री राम प्रभु जो है ना मामूली हस्ती नहीं है, मामूली चीज़ नहीं है। कोई भी नया काम करने से पहले श्री राम प्रभु का नाम लिया जाता है जो कि रामायण में वो जो दोहा और चौपाई के रूप में है, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा गरल सुधारी पुकारी हिमिताई गोप सिंधु सिंधु अनल शीतलाई गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करी चितवा जाही अति लघु रूप धरे हनुमाना पैठा नगर सुमीरी भगवाना। कोई भी काम करने से पहले श्री राम प्रभु को अपना हृदय में डाल रख करके करिएगा तो काम सक्सेस होगा। ये दोहा है चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी का रामायण में और गुरु ग्रंथ साहिब में 2533 बार उस श्री राम प्रभु का नाम दर्ज है जिसको कि हम मत्था टेकते हैं, दिन रात पूजा करते हैं। और ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, श्री राम प्रभु का बदनाम करने का काम कर रहे हैं, अपमान करने का काम कर रहे हैं, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम घोर इसका विरोध करते हैं। आप सिख समुदाय से हैं फिर भी विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में 2533 बार श्री राम प्रभु का नाम दर्ज है और उसमें वाणी है कि कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवे गोसैया कोई अलाए, ये गुरबाणी है। और श्री कृष्ण भगवान का भी गुरबाणी है, श्री कृष्ण भगवान का भी जिक्र है कि वृंदावन मन हर न मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे जाका ठाकुर तू ही सारंग धर मोह कबीरा नाऊ रे। गौ माता का भी नाम है, श्री कृष्ण भगवान का भी नाम है वृंदावन श्री कृष्ण भगवान रहते हैं जी। हिंदू धर्म नहीं है, सिर्फ ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया ब्राह्मणवाद है, उसको हिंदू धर्म से जोड़ा। देखिए सनातन धर्म क्या है पहले वो चीज़ को जानिए। सनातन धर्म एक पेड़ का जो तना होता है ना वो सनातन धर्म है। इसमें से चार तो शाखाएं निकली है जो कि हिंदू धर्म है और एक है आपको जैन, एक बौद्धिस्ट और एक जो है
आपको सिख, ये जो है ना तना से ये शाखाएं निकली है चारों, ये हम जो है ना आपस में सब भाई भाई हैं, हमको तोड़ने का कोशिश किया गया, ये क्या बात करेंगे इन, ये तो अखिलेश यादव जी का इशारा पर ऐसे बोल रहे हैं वो नेवला प्रसाद जी, क्या नाम है उनका, स्वामी प्रसाद प्रसाद जी, ये अखिलेश प्रसाद यादव जी का, अखिलेश यादव जी का इशारा पर इस प्रकार बोल रहे हैं। हाँ, उनको वोट चाहिए, वो चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों का वोट हमारे पॉकेट में आए और सरदार भी हमारा पॉकेट में आ जाए और जो है ना सनातनियों को मुँह पर थूक करके, हिंदुओं का मुँह पर थूक करके, उनका आराध्य प्रभु श्री राम का नाम उनको अपमानित कर करके और उनका वोट जो है मैं अपना वोट बैंक में डाल लूं और जो है मैं वो कुर्सी जो है हथिया लूं। लेकिन ऐसा कदापि नहीं है, हमारे मुसलमान भाई भी बहुत बुद्धिमान हैं, ऐसा मौका परस्त आदमी को सही ढंग से पहचानते हैं, जो कि मैं घोर विरोध करता हूँ, इसका घोर विरोध करता हूँ जी। जब से विपक्ष का गठबंधन बना है उसके बाद से ही सनातन पर टीका टिप्पणी, देखिए कैसे देख, जब से विपक्ष का गठबंधन हुआ है उसके बाद से ही हिंदू धर्म पर टीका टिप्पणी की जा रही है, सनातन धर्म पर सवाल उठाए जा रहे हैं और विपक्ष के सारे नेता कर रहे हैं। देखिए ये सारा नेताओं का ठगबंधनों का एक जूट समूह इकट्ठा हो गया है और ये ठगबंधन जो गठबंधन का जो टीम बनी है ये सारा टारगेट कर रहे हैं सनातन धर्म को कि कैसे सनातन धर्म को नष्ट किया जाए। अघोषित आपातकाल चल रहा है अभी वर्तमान, ठीक है ना, ये मोदी की सरकार है बोल करके हम लोग बचे हुए हैं, हमारा जान माल का सुरक्षा है, तो हम कहेंगे आने वाले चुनाव में इनको जो है ना उचित जवाब दीजिए, 2024 के चुनाव में इनको उचित जवाब दीजिए और इनका कान पकड़ के बाहर का रास्ता दिखाइए इनको। और ये जो है ना जो सनातन विरोधी हैं, सनातन है हिंदुओं का मुंह पर थूक करके ये चाहते हैं कि हमें कुर्सी चाहिए, उनको कोई कीमत पर कुर्सी नहीं मिलेगा, ये सनातन धर्म का घोर विरोधी है। ये तो कह रहे हैं ना कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है जिसका जो है बोल रहा है, नहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी इसका मतलब हिंदुओं के मुंह पर थूक दोगे, तुम्हारा कांग्रेस के साथ टाई अप है, कांग्रेस वाले राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं कि जो मंदिर जाता वही लड़कियां छेड़ता है, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं कि यहाँ का हिंदू और हिंदुत्व को कान पकड़ के बाहर कर देने की आवश्यकता है, ये कान पकड़ के बाहर करेंगे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ये पाकिस्तान को बोलते हैं कि हमारा दिल है, वो उनका दिल है, क्या होना चाहिए स्वामी प्रसाद, बता तो रहा हूँ ना कि एक कांग्रेस के साथ में अलायंस करके काना फुसकी करके एक दूसरे को बोल दिया गया है कि जितना हो सके सनातन को बदनाम करो, सनातन को विरोध करो, राम को गाली दो, तभी हमारा, ये सब राक्षस हैं और इनका जो है ना अंत निश्चित है। राक्षस तो जो भाजपा को वोट देता है उनको बता रहे हैं जी, विपक्ष कह रहा है जो भाजपा को वोट देता है वो राक्षस, नहीं उल्टा बोल रहे हैं, देखिए जा ही गति प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मति पहले हर लें, जिसको दारुण दुख प्राप्त होने वाला होता है ना उसका मति भ्रम बुद्धि पहले ही हर लिया जाता है, उसी प्रकार से इन लोग जो है ना टिमटिमा रहे हैं बिजली की तरह, ये कब बुझ जाएंगे कोई गारंटी नहीं है जी। क्या लग रहा है इस तरह का बयानबाजी नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, अरे बाप रे, आराध्य श्री राम प्रभु देवादिदेव महादेव का आदेश था, वो सिग्नेचर मारे थे सत्यम शिवम सुंदरम रामायण में, तब जाके मार्केट में पढ़ने लायक हुआ था, उस रामायण को आप गाली दे रहे हैं जो कि 2533 बार श्री राम प्रभु का नाम दर्ज है गुरु ग्रंथ साहिब में, दिन रात हम लोग मत्था टेकते हैं, पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, उस श्री राम प्रभु को आप अपमानित करने का काम कर रहे हैं। सरजू नदी जो वहाँ बहती है, कौन कौन लोग से वहाँ देवी देवता लोग आता है वहाँ स्नान कर करके और ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ से चले जाते हैं, तो वो श्री राम प्रभु हैं। ये मोदी की सरकार हमें 370 हटाया, उसके बाद राम मंदिर हमें दिया, राम मंदिर का तोहफा दिया, तो हम कहेंगे भारतीय नागरिकों से अपील करेंगे कि 100% वोट दीजिए, घर से निकलिए, अपने परिवार को ही बोलिए और नोटा कभी मत दबाइए और पूरा 100% मोदी सरकार को वोट देके जिताइए, 2024 में ये भारत देश एक नया मुस्तकबिल का इबारत लिखेगी और सारी कायनात उसमें सजदा करेगा। ये सब खामियाजा भुगतेगा विपक्ष, विपक्ष को कान पकड़ के इस बार 2024 में कान पकड़ के बाहर फेंक दिया जाएगा, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, जो श्री राम प्रभु का नाम लेगा, श्री राम प्रभु का गुण गाएगा, उनका जो शरण में जाएगा, उन्हीं को जो कुछ मिलेगा मिलना है, और मोदी हमारा 24 कैरेट सोना है, उनको आंख मूंद करके भरोसा करिए और उनको वोट दीजिए और जिताइए बहुमत से।